दमोह के निजी महाविद्यालय टाइम्स कॉलेज के छात्र छात्राएं इन दिनों स्कॉलरशिप नहीं मिलने से परेशान है। इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलने से ये लोग अपनी पढ़ाई प्रभावित कर रहे हैं और इन छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर एनएसयूआई के पदाधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर से स्कॉलरशिप के मामले में उनकी समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग की। हालांकि कॉलेज प्रबंधन पर भी इन लोगों ने आरोप लगाए हैं। क्या कहा छात्र छात्राओं ने जो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय ज्ञापन देने आए, आइए आपको सुनाते हैं। जिंदाबाद एनएसयूआई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्रों के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में, छात्रों के सम्मान में नियम फॉलो करते हैं सर, इन पे तत्काल सर कार्रवाई करिए, नहीं तो सर अभी संख्या कम है, इसके बाद हम लोग आंदोलित होंगे और सर हम लोग कॉलेज में नहीं बैठेंगे क्योंकि वो निजी संस्था है, क्या पता क्या आरोप हम लोगों पर लगाएंगे। माननीय कलेक्टर साहब के ऑफिस के सामने बिल्कुल सर टेंट खड़ेगा, झंडे गड़ेंगे और डंडे गड़ेंगे और सर हम लोग बाकायदा नियम का जी सर मुद्दे की बात ये है। अगर आप सर तीन साल हो गए सर, देखिए ये आप हमारी सुनिए ना सर, आपकी तो हम सुन ले रहे हैं तीन चार बार सर, तीन साल से सर कोई सुनवाई नहीं हो रही सर, ये पिछला है इसके पिछले के पिछले भी है, बताइए सर। केवल एक जगह नहीं होती कर दिया आपने, क्या संपर्क किया क्या सुनो मेरी बात, बता बता ऐसे नहीं होता है, यूनिवर्सिटी में गए क्या नहीं है ना सागर यूनिवर्सिटी सर, पहले इधर से तो सर कोई वो मिल जाए रिस्पॉन्स की हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग वहाँ भी जाए सर, पूरा सुनो पहले सर बताइए, बता बता गए क्या कभी, नहीं गए जी, चलो वहाँ से हम संपर्क करते हैं, ठीक है ना। तो हमसे बोला गया था कि आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी और उसी बेस पर हमने एडमिशन लिया है क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम 20,000 रुपये उनका पेमेंट भर सकें, हमने सोचा हम कुछ स्कॉलरशिप और कुछ घर से करके और पैसे हम लोग भरते जाएंगे, मगर ये नहीं हो रहा, हम लोग 2 साल से परेशानियों का सामना कर रहे हैं और अभी कल लास्ट डेट बोला जा रहा है 23 तारीख है और हम लोगों से बोला जा रहा है कि 10,000 रुपये भरने पड़ेंगे, हम लोगों ने बोला 5,000 रुपये भर लो तो वो बोल रहे हैं नहीं भरेंगे और इसी कारण ये राजा भाई जो हैं इनने पढ़ाई छोड़ दी है फीस के कारण, 1 साल हो गई सामने वाला घर में बैठा क्योंकि उसके पास कोई व्यवस्था ही नहीं थी, कहाँ से क्या करते और वो ही सर हम लोगों के साथ होगा क्योंकि हम लोगों का 5th सेमेस्टर हो गया, मतलब हम लोगों को 3री साल जा रही और इसके आगे जो 7th सेमेस्टर में उनकी फाइनल होने वाली है जो सीनियर है, तीन साल से स्कॉलरशिप नहीं मिली, उनको नहीं मिली, 4थी साल लग गई, बोलते हैं कोर्स कोड जनरेट नहीं हो रहा, तो हम लोगों की क्या गलती है क्या हम लोग कोर्स कोड करवा के दें क्या जनरेट। समस्त छात्र छात्राएं टाइम्स कॉलेज की एनएसयूआई के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराने आए हैं कि ये छात्र छात्राएं स्कॉलरशिप ना मिलने से प्रताड़ित हैं, शासन प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन को कई बार छात्र छात्राओं ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि 2 साल हो गए हम लोगों का स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा जा रहा क्योंकि आपने ये पोर्टल पर शो नहीं कराया और ना ही इसके फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की उदासीनता, महाविद्यालय की उदासीनता को देखकर आज दमोह एनएसयूआई के नेतृत्व में टाइम्स कॉलेज के छात्र छात्राएं जिलाधीश महोदय को अवगत कराने आए हैं कि छात्र छात्राएं गरीब हैं और उनको पढ़ना है, लेकिन ये चंद जो शिक्षा का व्यवसाय करते हैं इनको इनके कानों पे जू नहीं रेंग रहा है कि छात्र छात्राएं ओबीसी और एसटी के प्रताड़ित हैं, ये स्कॉलरशिप ना मिलने के कारण अपना एजुकेशन छोड़ चुके हैं, 2 छात्र इसमें ऐसे हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप ना मिलने के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ के ये घर में अपने माँ बाप का हाथ बटाने लगे हैं, तो क्या शासन के नियम कायदों की ऐसी अवहेलना करेगा ये कॉलेज प्रशासन, ये पहले भी उच्च शिक्षा विभाग की गाइडलाइन से हटके ये छात्र संघ चुनाव नहीं करवाते हैं, ये स्कॉलरशिप पे अपना पोर्टल पे नाम शो नहीं कराते हैं, सर ऐसा कैसे चलेगा।